Welcome to our channel Munching Myths. So today Munching Myths team is doing an exclusive video at Absurd Barbecue. So जैसे कि आप देख सकते हो आज मेरे साथ कोई फूडी नहीं है. So आज हम करने वाले हैं वेज नॉन वेज एंड सम एक्सोटिक फूड आइटम्स का रिव्यू. So we'll wait for a starter till that. जैसे कि आप देख सकते हो मेरा वेज प्लैटर इज रेडी एंड आई एम गोना स्टार्ट विथ चीजी पोटैटो. बहुत सारा चीज इसमें तो दिख रहा है मुझे. लेट मी हैव माय फर्स्ट बाइट. ठीक है, चीजी पोटैटो नॉर्मल लग रहा है मुझे, इतना खास नहीं. देन दिस इज वेज कबाब. वेज कबाब क्रिस्पी है, थोड़ा बीटरूट का फ्लेवर आ रहा है मुझे. ओके, ठीक है. देन ऑन द ग्रिल देयर वर मशरूम, पनीर, बारबेक्यू वाटरमेलन, कॉर्न. एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई बारबेक्यू वाटरमेलन, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द बारबेक्यू में नॉर्मली मैंने पाइनएप्पल्स देखा है, बट ठीक है. ओके, सो दिस इज पेस्टो मशरूम विच हैज अ पेस्टो सॉस इन इट. पेस्टो मशरूम इज ऑसम गाइस. एंड लास्ट ऑन माय प्लेट इज अचारी पनीर टिक्का. द पनीर इज वेरी सॉफ्ट, इट जस्ट मेल्ट्स इन माय माउथ. सो गाइज, लाइव काउंटर्स है जहाँ पे आपको चाट्स मिलेंगे, आपको इटालियन डिशेस मिलेगा. तो हमने ऑर्डर किया है वेज पिज्ज़ा. एंड आपको अगर पास्ता चाहिए तो यू हैव रेड सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता. चीज़ मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं दिख रहा. नॉर्मल वेज पिज्ज़ा. एक्चुअली ब्रेड का बहुत मुझे हार्ड टेस्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मैदा ही खा रही हूँ. बट ठीक है, वेजीज का टॉपिंग्स है, ऑलिव्स एंड ऑल, कैप्सिकम, टमाटोज एंड ऑल है, फाइन, ठीक है. सो फ्रेंड्स, मंचिंग मिक्स में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे टीम में ध्यानेश एंड रोनाल्ड भी है. सो आज ध्यानेश एंड रोनाल्ड नॉन वेज रिव्यू देने वाले हैं. सो हाई गाइज, दिस इज ध्यानेश फ्रॉम मंचिंग मिक्स एंड यू आर माई फ्रेंड रोनाल्ड. And we would be reviewing the non-veg platter today. Alright, so let's begin. So first, this is tandoori fish here. Let me just have it. Bro, even you have and let me know. Let me see. मुझे ठीक लगा. I guess थोड़ा ठंडा हुआ है. But it's fine. It's good, tasty, but it's like less spicy side. But acha, it's good. Yeah, softer and softer, the texture is very nice. It's good. Yes, it's nice. And so then we have this elmi chicken, which is yellowish. Looks like malai kebab. Let me just. अच्छा, बट
kebab is much better than that. देन वी हैव दिस इटालियन प्रॉन्स थोड़ा जला हुआ है ब्रो तू ये खा ले मैं यस थोड़ा कम पका हुआ खा लिया अच्छा है टेस्ट अच्छा आ रही है बहुत सही है थोड़ी सी जूसी लग रही है पर्सनल रिव्यू है बट इट्स गुड इट्स वेरी नाइस अच्छा बनाया परफेक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेन डिश द मेन डिश बंगारा तंगड़ी बाकी जहाँ पे ऐसे बाबू में अगर मैं चिकन को जो रेटिंग सिमिलर रेटिंग आई लाइक So friends, we are done with our starter and now we are giving a walkthrough of what are the life counters we have. So now as you can see on my left hand side is pizza counter where you'll get all pizzas, that is veg pizza. And whatever toppings you want on pizza, you can tell the person, he'll get it done for you. You can add more oregano, chili flakes if you want. Then comes the best part of Absolute Barbecue, that is exotic menu. So in this exotic menu you will see squid, you will see lots of seafood, shark, rabbit, you will see emu meat and so on. So guys, आपको जो खाना है आप खा सकते हो यहाँ के, या किसी ने कुछ भी नहीं खाया होगा और जिसको फर्स्ट टाइम ट्राई करना है वो यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम अपना ट्राई दे सकते हैं. सो मैं एक एक चीज़ आपको जूम इन करके बता रही हूँ. सो यहाँ पे हर एक मीट का एक नेम है, सो आपको जैसा चाहिए बना के आप वैसे बोल सकते हो एंड वो वहाँ पे बना के देंगे आपको. आपको राइस के साथ चाहिए, आपको नूडल्स के साथ चाहिए, आपको कौन से वेजीज चाहिए, इट कैन बी मेड कस्टमाइज. सो गोइंग फर्दर इज़ द पास्ता काउंटर. And here you get two types of pasta, that is white sauce pasta and red sauce pasta. So आपको जो पसंद है आप वो खा सकते हो. जो toppings चाहिए, जैसा pasta चाहिए आप वैसे खा सकते हो. Now comes the dessert counter and the best part of the dessert counter is I won't tell you now, I'll tell you later on while having a dessert time यहाँ का speciality क्या है. Now you can focus on the chaat counter. So in case if you want to have pani puri, shev puri, you can have that as well. यहाँ पे popcorn counter भी है, जो अगर in case आपको popcorn खाने का मन कर रहा है so आप आके popcorn भी खा सकते हो यहाँ पे. So that was all about the other counters which you'll have to get up from your seat. And so guys, I'm trying pani puri over here. सिर्फ भैया तीन पूरी ही दो एंड मीठा तीखा मिक्स. सो यहाँ पे आलू की स्टफिंग्स हो रही है, देन देर इज़ टमाटो, ऑनियन, क्यूकम्बर, मीठी चटनी, कैरेट एज वेल. एंड मैं आपको खा के बताती हूँ ये कैसा लग रहा है. सो यहाँ की पूरी जैसे कि आप देख सकते हो बहुत डिफरेंट है राधा दनिया स्ट्रीट फूड्स पूरी. एंड ये शेव से भरा जा रहा है मेरी पूरी में.
सो अब आएगा पानी डालने का टाइम. तो दिस इज़ मीठा पानी एंड नाउ कम्स द तीखा पानी. वाव. सो फ्रेंड्स, माय पानी पूरी इज़ रेडी टू ईट. लेट मी टेस्ट एंड टेल यू हाउ इज़ इट. ओ वाव. पूरी ठंडा है एंड इसमें क्यूकम्बर एंड टमाटोज बहुत है, तो मुझे वो टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, बट ठीक है. ओके सो गाइस, यहाँ पे है एग्जॉटिक मीट्स. सो फर्स्ट वी विल ट्राई व्हाट्स दिस टर्की, राइट? टर्की. इट्स टर्की. लेट्स ट्राई टर्की. Turkey meat. Hey, boneless नहीं है, actually. Bone गया. ठीक है, chicken जैसी. Okay. सही है. मैं भी try करता हूँ कैसा है, क्योंकि मुझे turkey बहुत पसंद है. थोड़ा ज़्यादा bones ज़्यादा आ रहा है, bones ज़्यादा आ रहा है, लेकिन flesh थोड़ा कम लग रहा है, जैसे कि normal turkey में. नेक्स्ट लाइन वी हैव दिस इज क्वेल, राइट? यस, इट्स क्वेल. ओके, थोड़ा सा खाता हूँ. तो कैसा लगा आपको? इज इट गुड? आई डिडंट लाइक. पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली क्या है, बट फाइन. No. अच्छा नहीं. It's not good. Then we have cultured bunny. This is cultured bunny. ये भी boneless नहीं है. पता नहीं sweet है. अच्छा इन्होंने कोई sweet syrup डाला होगा. Taste like chicken होनी चाहिए. याद रखना है कि कोई भी आपको यहाँ पे बोनलेस नहीं मिलेगा, सब में हड्डी मिलेगी आपको. इसमें ये बोन्स है, कल्चर बनी है. इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड. ओके, देन अप वी हैव ईमू मीट. ईमू जो कि ऑस्ट्रिच जैसे ही दिखता है, वैसे ही काफ़ी, इट्स अ ह्यूज बर्ड, तो उसका मीट है. लेट मी जस्ट ट्राई. टेस्ट लाइक सोया चंक्स. गुड. या, इट्स काइंड ऑफ अ सोया काइंड ऑफ. यस यस, इट इज सिमिलर लाइक सोया ओनली. अच्छा अच्छा, सोया ही खा ली. ओके, सो लास्ट ऑफ एग्जॉटिक मीट वी हैव शार्क, कल्चर्ड शार्क. ऑलराइट, देखता है इसमें कितना कल्चर है, ये कितना कल्चर्ड है. फाइन, ठीक है, सॉफ्ट है. गुड, बहुत सॉफ्ट है, कल्चर्ड. और आई थिंक सबसे बेस्ट, हमें पसंद आया तो आई थिंक कल्चर्ड शॉप. कल्चर्ड शॉप सबसे बेस्ट है हमारे, सब में सब में से जो भी टेस्ट किया हमने. जब अभी ट्राई करें तो गो फॉर कल्चर्ड शॉप. आई गेस इवन यू गाइस वुड लाइक कल्चर्ड शॉप द बेस्ट. बाकी सब ठीक ठाक. So friends, now we are viewing the vegetarian main course. So यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है plain rice, special दाल and दाल तड़का. Then you have two options, that is butter garlic noodle, Thai veg curry, dry food kofta curry as well. Wow, मुँह में पानी आ गया, लग रहा है ना yummy. And लास्ट यहाँ पे है दही वाले आलू, कॉर्न स्पिनच. सो आपको जो चाहिए यहाँ पे आप खा सकते हो. एंड ये लास्ट वाला आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये है पनीर हरा प्याज़ा. वाओ, लुक सो इंटरेस्टिंग. एंड वेज वालों के लिए बिरयानी भी है. सो दिस इज़ वेज दम बिरयानी. एंड नाउ मूविंग अहेड, सो प्लेट में आने से पहले यहाँ फ्राइम्स है, जैसे टाइप की चटनी, सैलेड्स आपको चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पे है. पापड़ है, रायता है.
सो अपना प्लेट भरिए और खुशी से खाइए। सो फ्रेंड्स, नॉनवेज वालों के लिए यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो सूप से, जो कि है नॉनवेज सूप। सो आप देख सकते हो दिखने में काफ़ी लजीज लग रहा है ये। एंड नाउ कमिंग टू द मेन कोर्स, यहाँ पे है लाल मांस कढ़ाई चिकन। वाओ, बट बहुत ज़्यादा तेल लग रहा है इसमें। नो प्रॉब्लम, विल सी आर नेक्स्ट डिश, दैट इज मस्टर्ड फिश, श्रीलंकन श्रिम्प करी, सेजवान चिकन फ्राइड राइस। वाओ, दिस कॉम्बिनेशन इज अ मस्ट। एंड राइस तो डेफिनेटली चाहिए ही होगा, तो राइस के लिए यहाँ है चिकन दम बिरयानी। सो गाइस, जैसे आपका मेन कोर्स आप लोगे, आपको ग्रेवी के साथ यहाँ पे तंदूरी नान, बटर नान, जैसी रोटी चाहिए वैसी भी आपको मिल जाएगी आपके टेबल पे। सो फ्रेंड्स, आवर मेन कोर्स इज ओवर हियर एंड मैंने लिया है वेज मेन कोर्स। सो लेट मी ट्राई ईच एंड एवरी आइटम, जो मुझे पसंद आया मैंने वही अपने प्लेट में लिया है। सो स्टार्टिंग विथ माई फेवरेट, दैट इज ग्रीन थाई करी। अच्छा है, बट जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा थाई करी नहीं है, थोड़ा वाटरी है। कॉर्न स्पिनच इज चीजी, मीठा है ये खाने में। सो दिस इज पनीर, स्पाइसी है, इट्स गुड। दिस वन इज ड्राई फ्रूट कोफ्ता, सॉरी फ्रेंड मेरे पास फोक नहीं है इसलिए आई एम हैविंग इट विथ माई स्पून। ड्राई फ्रूट कोफ्ता इज वेरी ड्राई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गार्लिक नूडल्स। सो फ्रेंड्स, मैंने स्मॉल पोर्शन इसलिए लिया बिकॉज आई एम ऑलवेज डाइसी ऑन मेन कोर्स, सो ऑलवेज चेक कि कौन सा अच्छा है, देन आई फिल माई प्लेट्स अगेन। गार्लिक नूडल इज गुड, सो आई विल गो एंड रिफिल माई प्लेट्स ओनली विद गार्लिक नूडल्स। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द नॉनवेज मेन कोर्स items over here. So let's begin with naan, and this is the mutton gravy, red meat. Itna bhi khas nahi hai but theek hai, pata nahi bahut slight oil hai isme, oil hai bahut zyada oil hai, yes slight sour, yes slight sour, itna nahi hai but slight sour feel ho raha hai. Then more on oily side. Let's try chicken gravy. But sweet, sweeter. Chicken gravy sweeter. But I guess फिर भी वो मटन ग्रेवी से ज़्यादा अच्छा लगता है। Okay. Then we have the Sri Lankan shrimp curry. This is the Sri Lankan shrimp curry. I guess I should not have this with roti. So I'm trying for the first time actually. I'll have it with a spoon. Like more like a normal curry. It's a normal Goan curry jaisa lag raha hai. Na kuch unique nahi lag raha hai. Simple hai. Fine. Good. It's okay. So moving towards my plate now. So I'm trying dum biryani now. It's good, you can try. Achha hai. But still I won't see the best. But it's good. It's nice. It's fine. Best one. But best one. Okay. This was Szechuan chicken fried rice. Doesn't look like, but let us try. I think I have had much better Szechuan fried rice than this one. So, zara bhi pasand nahi. This is very dry. It is very dry. Like sukha hua pulao or something, but we didn't like it.
biryani as comparatively was fine. Okay. And Dahi Vada as usual is awesome. It's nice. Personal view is amazing. Bahut sahi. It's nice. That's good. Wow. It's nice. Dahi Vada is very relation. To be honest. I love the Dahi Vada the most in this entire main course plate. Yes. It is. Yes. Thank you. सो फ्रेंड्स, जब इतना सारा खाना खा लेते हैं तो मीठा तो बनता है. सो एब्सोल्यूट बारबेक्यू में बहुत सारा वैरायटीज है मीठे में. सो मैं स्टार्ट करूंगी सैफ्रन फिरनी से, जिसके ऊपर एक रोज पेटल है फॉर गार्निशिंग. सैफ्रन फिरनी इज गुड, जैसा होना चाहिए वैसा है. दिस इज अंगूरी गुलाब जामुन, अच्छा है. You also get fruit option. I'm not gonna try because ये मैंने grill में खा लिया. This is Indrani. ये मैं first time खा रही हूँ Indrani. I don't know what is it. Looks like rasgulla. Awesome. ये हो गया. अब आते हम दूसरे प्लेट की तरफ. जलेबी जो बहुत लोग की फेवरेट है, मेरी इतनी नहीं है. ठीक है, अच्छा. This is something different. This is sweet goja. Sweet naam hai but itna sweet nahi hai, but ha acha hai. This is dream cake. Dry hai. Theek hai. This is plum cake. Bahut gir raha hai. Not like plum cake जैसा होना चाहिए. This one is fruit cake. उतना खास नहीं है. This is cheese cake, cheese pastry in fact. Nice. Second last is strawberry pastry. Wow. एकदम strawberry का flavor भर भर के आ रहा है मुंह में. Last my favorite chocolate pastry. So friends, this is hot chili roll ice cream. I like when my ice cream is melted. So इसका नाम hot chili इसीलिए है because ये sweet नहीं है, ये spicy है. And जिसको मीठा नहीं पसंद है उसके लिए ये best dessert है. Enjoy. So friends, हमने बहुत enjoy किया absolute barbecue में. So यहाँ की food के review तो आपने देख ही चुके होंगे. यहाँ की सर्विस काफी अच्छी थी. सो इफ यू लाइक अ वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मंचिंग मेट्स. बाय. चलेगा नहीं? कैसे चलेगा? एक्शन. तो मीठा तो बनता है. क्या हो रहा है? क्या बोला? हॉट चिली रोल आइसक्रीम ना. हॉट चिली रोल आइसक्रीम.